हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शीला का किचन। तो आज हम बनाएंगे बाहुबली मोमोज, जो बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक कटोरी मैदा, और इसमें मैं एक चम्मच घी डाल रही हूँ। और इसको हम सादे पानी से गूंथ लेंगे। आटा हमें सॉफ्ट ही लगाना है। और इसको हमने इतना ही सॉफ्ट गूंथना था और ये गूंथ गया है हमारा। और ये हमारा मैदा गूंथ गया है, और जितने ये सेट होता है उतने हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। और मसाले में मैंने लिया है ये है सोयाबीन की बड़ी। ये मैंने 8-10 पीस लिए थे, इनको मिक्सी में पीस लिया है। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, ये पाउडर नहीं बनाना है, ये दरदरा इस तरह पीसना है। और ये मैंने एक प्याज बारीक काट लिया है, एक हरी मिर्च, हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, और ये मैंने पत्ता गोभी ली है थोड़ी, इसे कद्दूकस कर लिया था। और ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था। और मसालों में मैंने लिया है 1/3 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 स्पून नमक, नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी मैंने ली है हींग। और ये मोमोज का मसाला बनाने के लिए हमने तेल रख लिया है, और तेल मैंने इस चम्मच से नाप के 1 चम्मच डाला है। तेल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये तेल हमारा गर्म हो गया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। और जीरा भूनते ही हम डालेंगे पत्ता गोभी। हरी मिर्च और इनको थोड़ी देर चला लेंगे सॉफ्ट होने तक। और अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। प्याज हमें पहले नहीं डालना है, इसे भूनना नहीं है, थोड़ा सॉफ्टपन आ जाए इतना ही भूनेंगे। और ये सोयाबीन की बड़ी, और ये पेस्ट में लहसुन का बाद में डालूंगी। और गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हींग, और इसमें मैं ये पेस्ट भी डाल रही हूँ जो हमने गार्लिक और जिंजर का बनाया था। और इसे सॉफ्ट होने तक हम चलाते रहेंगे। और इसे गैस को लो फ्लेम पे ही रखेंगे, नहीं तो ये जल्दी जल जाता है।
और ये मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है और इसे बनने में पूरे 5 मिनट लगे हैं और गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये मोमोज को सेकने के लिए मैंने ये पतीले में पानी रख दिया है, जितने ये बॉयल होता है उतने हम मोमोज तैयार कर लेते हैं। इसको हमें एक साथ ही बेलना है इसलिए मैंने ये थाली ली है, इसको मैं उल्टा कर लूँगी और इसी के ऊपर हम बेलेंगे ताकि हमारी पूरियाँ एक साथ बिल जाएं। और इस पे मैंने थोड़ा सूखा मैदा डाल दिया है और इसको बेल लेंगे। और इसकी किनारी को हम बिल्कुल पतला कर देंगे। और ये हमने बेल लिया है और इसकी थिकनेस को हम इतना ही रखेंगे। और अब ये मसाला हम भर लेंगे इसमें। और ये साइड से हमें बिल्कुल हटा देना है, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं आपस में। और इसको ऐसे लेंगे, इस तरह से पोटली बना लेंगे इसकी। ये कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये और ज़्यादा खुल जाता है भाप में पकने से। और ये पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है और इसमें मैं स्टैंड लगा लूँगी और इसमें हम अपना मोमोज रखेंगे। और इसको मैं ढक दूंगी 15-20 मिनट के लिए और गैस को हम कर देंगे मीडियम लो फ्लेम पे। और ये बनते हुए 15 मिनट हो गए हैं और एक बार इसको चेक कर लेंगे। और ये हमारा पूरी तरह से सिक गया है और इसको हम निकाल लेंगे और इसे हम 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के लिए मैंने ये तेल रख दिया है और ये तेल गर्म भी हो गया है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा तेल इस तरह से ऊपर डाल देंगे और गैस को लो फ्लेम पे ही रखेंगे। और इस तरह से साइडों से भी फ्राई कर लेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए।
और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये बाहुबली मोमोज बनके हमारा तैयार हो गया है। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।